हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुक्ता। आज आपके लिए लेकर आई हूं नाश्ते की एक मज़ेदार रेसिपी, जिसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और इवनिंग में चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल कटलेट, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी वेजीज का यूज़ किया है। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। वेजिटेबल कटलेट बनाने के लिए हमने ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 शिमला मिर्च, 4 बड़े चम्मच स्वीट कॉर्न, 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स, 4 बड़े चम्मच फ्रोज़न मटर, 2 बड़े बॉईल किए हुए आलू, 1 बड़ी गाजर जो हमने ग्रेट करके ली है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, हरा धनिया, हरी मिर्च, 1 नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच मैदा और ब्रेड क्रम्स कोट करने के लिए। अब लेते हैं एक मिक्सिंग बोल, उसमें डालेंगे उबले हुए आलू और बहुत अच्छे से मैश करेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, मटर, गाजर, हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू का रस, कॉर्नफ्लोर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 4 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स, 1 चम्मच चाट का मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लेते हैं मैदा, उसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच नमक डालकर इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे, जिसमें हमें कटलेट को कोट करना है। अब लेते हैं वेजिटेबल का मिक्स और उसे थोड़ा सा पानी लगाकर घोल करेंगे और फिंगर की हेल्प से इसे हार्ट की शेप दे देंगे। अब इसे मैदा के घोल में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। फिर से लेते हैं वेजिटेबल्स और इसे राउंड करके हार्ट शेप देंगे और फिर से इसे मैदा के घोल में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करके अलग रख देंगे। अब लेते हैं एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। मैंने रिफाइन ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और इसको हीट होने के बाद इसमें कटलेट डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। हमें कटलेट्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। गोल्डन कलर आ चुका है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे कटलेट फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी कटलेट्स हैं, एक आपको तोड़कर दिखाते हैं।
वेजिटेबल्स अंदर तक कुक हो गई हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी कटलेट बना है। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं और टमाटो केचप के साथ भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।